हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा हम 10 AM सीरीज कर रहे थे, तो आज का लेक्चर 105 है। लेकिन बहुत लोग सोच रहे होंगे, सर बहुत दिनों बाद ये सीरीज स्टार्ट की, आपने बीच में स्टॉप कर दिया था। तो उसका रीजन था, मैं बीच में आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कंटिन्यू कर रहा था, जिसमें बहुत हार्डवर्क लग रहा था, दैट इज फॉर प्रीलिम्स 2020। तो मैंने उसके लिए वो सीरीज कंप्लीट कर दी है। जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे, टोटल 9 लेक्चर्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 9 लेक्चर्स हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो प्रीलिम्स के टॉपिक है उसके 9 लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं। उन 9 लेक्चर्स को जरूर देख लें एग्जाम से पहले, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आज से हम वापस अपने 10 AM सीरीज में आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कट ऑफ होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स। तो देखते हैं कौन कौन 9 मार्क्स स्कोर करता है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। ओके, पॉलिटी में क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इट ट्रू रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ प्रोविजन विच इफेक्ट द फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप करते हैं और उसमें फेडरल करेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पड़ेगी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड पॉइंट है, 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए पड़ेगी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेडिफिकेशन, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल 28 स्टेट्स हैं, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट 14 स्टेट से आपको ये रेटिफाई करना पड़ेगा स्टेट की लेजिस्लेचर से भी थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट डी है, ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम 2 तरीके से करते हैं, थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ऑल्सो एंड बाई यूजिंग अंडर आर्टिकल 368, और 368 में भी 2 टाइप्स हैं, और इसमें 368 का सेकेंड टाइप पूछा गया है, विच इफेक्ट द फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत लोगों ने मार्क किया होगा, यस यू आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, ठीक है, कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री से अडॉप्ट किया। ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, यूएसए या साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हो सकता है इन तीनों में से नहीं भी हूं, तो इसको छोड़ के अगर कोई कंट्री होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस कंट्री से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इसमें तो पूछा गया कौन सा फंक्शन नहीं है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का। याद रखिए हेड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो है चीफ सेक्रेटरी। जिस तरह सेंट्रल में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वैसे स्टेट में चीफ सेक्रेटरी होता है। कमेंट बॉक्स में आप जिस स्टेट से इस लेक्चर को देख रहे हैं उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि आपके स्टेट का चीफ सेक्रेटरी एट प्रेजेंट कौन है। ओके, तो कौन सा फंक्शन नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया। पहला कि वो कंट्रोल करता है होल सेक्रेटरीएट। सेकंड, चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, टू एक्ट एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का स्पोक्सपर्सन की तरह एक्ट करता है। डी, वो यूनियन होम मिनिस्टर को जो स्टेट के अफेयर्स है उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। दीज आर 4 ऑप्शंस, विच इज द रॉन्ग ऑप्शन। आई थिंक आपने ऑप्शन नंबर डी देख लिया होगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो स्टेट के लिए होता है, तो यूनियन होम मिनिस्टर को क्यों रिपोर्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। डी इज, याद रखिएगा, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इज नॉट द फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अपने स्टेट का चीफ सेक्रेटरी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी। क्वेश्चन यहां पर है, एक ऑर्डिनरी बिल है, इफ एन ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेटेड एंड पास इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में वो बिल पास हो गया है, ओके, बाइकैमरल लेजिस्लेचर उस स्टेट में, ठीक है, 2 हाउसेज हैं स्टेट में, और अब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पहुंचता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट कर देती है, इट रिजेक्ट्स द बिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट्स द बिल। ओके, तो पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अब उस बिल का क्या होगा। अगर काउंसिल से स्टार्ट हुआ है, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन। ऑप्शन दिया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वापस भेजा जाएगा बिल। सेकंड, ज्वाइंट कमिटी फॉर्म की जाएगी, ठीक है, जिसमें असेंबली मेंबर और काउंसिल मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, या तो इस बिल को पास मान लिया जाएगा या डी ऑप्शन, बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। दीज आर 4 ऑप्शन, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया पॉलिटी में, जिसको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा पॉलिटी कोर्स जो है उसको एनरोल करिए, देन ओनली आप इतने इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज अ करेक्ट आंसर, बिल विल गेट लैप्स। याद रखिएगा, अगर काउंसिल से पास हुआ है और स्टेट असेंबली में पहुंचा है, स्टेट असेंबली ने मना कर दिया है, तो काउंसिल का बिल जो होता है स्टेट्स में वो लैप्स हो जाता है, ठीक है, डिटेलिंग मैंने लेक्चर्स में समझाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ओके, मैं बता दूं, जिसका नाम है लाए हरुबा,
ठीक है। तो लाए अरुबा जो फेस्टिवल है पूछा गया है किस स्टेट में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। एक्चुअली ये फेस्टिवल मीथी कम्युनिटी होती है, एक मीथी ट्राइब कम्युनिटी है, ठीक है, मणिपुर की बहुत फेमस कम्युनिटी है, वो सेलिब्रेट करती है इस फेस्टिवल को, ठीक है। तो पूछा गया ये जो फेस्टिवल है अभी सेलिब्रेट कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या त्रिपुरा। दिस इज द फोर ऑप्शंस। द करेक्ट आंसर इज अगरतला। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा ये फेस्टिवल बहुत बार पूछा जाता है। तो इट्स अ एंशिएंट रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है, जो मैंने बताया ना मिथि एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि मणिपुर की है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो फेस्टिवल है वो अगरतला त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5th में आते हैं। इट्स एन इजी क्वेश्चन। हिंदी वर्ड अभी ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 किस वर्ड को, याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने डिक्लेयर किया है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। दिस कुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा। यस, जिन्होंने भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संविधान। बहुत कॉमन वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो संविधान को चूज किया गया है इस बार 2019 का ऑक्सफोर्ड में, हिंदी शब्द जो है वो संविधान बना है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, क्वेश्चन नंबर 6th में आते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, स्टेटमेंट देखिएगा, वो अभी एक एशियाटिक लाइन का सेंसस करने वाली है, मई 2020 में सेंसस हुआ भी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि IUCN स्टेटस क्या है एशियाटिक लाइन्स का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, एशियाटिक लाइन्स बहुत न्यूज में है जो कि गिर में है, गुजरात में है, आपको पता होगा। तो पूछा गया है कि उनका IUCN स्टेटस क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN का फुल फॉर्म, IUCN का हेडक्वार्टर, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एशियाटिक लाइन्स, जिसको कंफ्यूजन होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या नियर थ्रेटन में, तो अब वो क्लियर हो जाएगा। जो नहीं मार्क क्रिटिकल एंडेंजर्ड किया है वो रॉन्ग है, वल्नरेबल किया वो भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंडेंजर्ड कैटेगरी। ओके, तो एशियाटिक लाइन्स याद रखना आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दे आर कन्फाइंड टू विच स्टेट, गुजरात में गिर नेशनल पार्क में वो कन्फाइंड होते हैं, ठीक है, वहीं पर पाए जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी एक ट्राई स्टेट सेंचुरी, मतलब 3 स्टेट में वो सेंचुरी लाई करती है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया इको सेंसिटिव जोन। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? इको सेंसिटिव जोन। तो पूछा गया ये इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर किया गया है, ओके, किस ट्राई स्टेट सेंचुरी को डिक्लेयर किया है। ऑप्शन है आपके पास, नेशनल चंबल सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो ट्राई स्टेट में आ रही है उसको, याद रखिएगा, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। दिस दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मध्य प्रदेश से होंगे, बच्चे देख रहे होंगे, उनके लिए इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत फेमस है। नेशनल चंबल सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 3 स्टेट में लाई करती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओके, मेनली इट लाइज इन मध्य प्रदेश। ओके, चंबल रिवर के बारे में आपने सुना होगा, विच ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश ओनली, ठीक है, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ओके, तो याद रखिएगा, एज पर नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नेशनल चंबल सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया है इको सेंसिटिव जोन, और 3 स्टेट राजस्थान, यूपी एंड मध्य प्रदेश, जहां ट्राई स्टेट में सेंचुरी लाई करती है। ओके चलिए, घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है ये सेंचुरी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रायसेना डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है रायसेना डायलॉग, मैंने आपको पढ़ाया भी है रायसेना डायलॉग के बारे में। पूछा गया, ये हर साल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है। रायसेना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है। ओके, तो पूछा गया इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर ये रायसेना डायलॉग होता है। व्हाट इज दिस रायसेना डायलॉग, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई हैव डन बट दीज थिंग। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दिस कुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा होगा, या तो मेरी सीरीज भी देखी होगी जो मैंने चलाई थी। इट कुड बी इजी क्वेश्चन, जिसने नहीं देखी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो प्लीज आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, जहां पर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है, ठीक है, मैं जल्दी मूव कर दिया, बट आंसर नंबर बी था। ओके चलिए, क्वेश्चन 9th में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने होस्ट किया है बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। अभी ड्रग्स की बात चल रही बहुत ज्यादा, आपने सुना भी होगा, आजकल तो कुछ न्यूज चैनल ड्रग्स की बहुत बात कर रहे हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण की बात हो, रिया चक्रवर्ती की बात हो, तो इस पर बहुत बवाल चल रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। हो सकता है ड्रग्स की बहुत बात है तो क्वेश्चन भी आ जाए किसी एग्जाम में। तो बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस हुई कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, तो कहां पर हुई है क्वेश्चन, मैंने सीधा ये पूछ लिया है। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे
होम मिनिस्टर ने, दैट इज अमित शाह जी ने. ओके, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में या उड़ीसा में. दीज आर द फोर ऑप्शंस. कुछ लोगों ने नहीं भी पता होगा तो गेस कर रहे होंगे, तो अंडमान निकोबार कैंसिल कर दिया होगा, सोचा होगा यहाँ पे कहाँ पे होगी. जम्मू एंड कश्मीर भी कैंसिल कर दिया होगा. दो ऑप्शन बचे होंगे न्यू दिल्ली और उड़ीसा, तो बहुत लोगों ने न्यू दिल्ली मार्क भी कर दिया होगा. तो करेक्ट मार्क किया, ऐसा करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली ही है. तो याद रखिएगा बिम्सेक के बारे में, आई थिंक यू हैव नोन, मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिम्सेक के बारे में. आप लोग कमेंट भी कर चुके हैं, तो कमेंट करने की जरूरत नहीं. जिसको नहीं फर्स्ट टाइम कमेंट करा वो कमेंट कर सकता है. बिम्सेक का फुल फॉर्म, बिम्सेक का कितनी कंट्रीज हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. वैसे आपने ऑलरेडी बहुत बार आप कर चुके हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. और लास्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अपने सीरीज में कवर कराया था. किस इंडियन स्टेट ने अप्रूव किया सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर? ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसका नाम रखा है सिल्वर लाइन. नॉर्थ से साउथ उस स्टेट को कनेक्ट कर रही है. ऑप्शन से उत्तराखंड, सिक्किम, केरल या महाराष्ट्र. तो जिसने भी लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा. यस, यू आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल. तो याद रखिएगा ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है. दैट इज रिलेटेड टू हाई स्पीड रेलवे और इट हैज बीन डेवलप्ड इन केरल. तो आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट किया जा रहा है केरल में. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज. आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे और बहुत से लोग 9 मार्क्स आपके आए भी होंगे. ठीक है, इसकी PDF चाहिए है आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें. व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आपको इसके साथ साथ अदर लेक्चर्स की भी PDF अवेलेबल हो जाएगी. ओके, अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज लेक्चर को पूरा देखें. ओके, और आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, अदर लेक्चर्स को देखें. अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं बहुत सारे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. सब्सक्राइब करेंगे आपको फर्दर नोटिफिकेशन इसमें अवेलेबल होती रहेगी. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, यहां पर भी दिया हुआ है. किसी को हमारे पूरे कंप्लीट कोर्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, हमारा नंबर भी दिया हुआ व्हाट्सएप पे, अब वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसकी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी. ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं और कमेंट करके बताएं कि बहुत दिनों बाद हमने स्टार्ट किया है, कि आप लोग उसी लेवल पे एक्साइटेड हैं कि नहीं. क्योंकि आप लोग एक्साइटेड रहेंगे तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहती रहेगी और आप लोग के कमेंट लाइक आते रहेंगे, हमें सीरीज पे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और लेक्चर्स कंटिन्यू होते रहेंगे. ओके, स्टिल कोई डाउट क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.